हिंदू जागरण मंच चंदोसी के तत्वावधान में आज फव्वारा चौक पर टाटा समूह के प्रतिष्ठान तनिष्क ज्वेलरी के नए एड में लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए एक वीडियो जारी किया गया। बेशक चौतरफा विरोध के चलते एड को हटा लिया गया हो, परंतु इस एड के गुनाहगार ब्रांड मैनेजर मंसूर खान और एड को अप्रूवल देने वाले लोगों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। इसके लिए हिंदू जागरण मंच के सभी जिला इकाई में पुतला दहन कर विरोध जताया। तनिष्क आभूषण वालों का पुतला फूंका गया है, जो टाइटन की एक इकाई है। उन्होंने कल एक ऐड बनाया जिसमें एक हिंदू महिला को मुस्लिम परिवार में ब्याह हुआ दिखाया और गोद भराई के लिए उनका आभूषण तनिष्क जी तनिष्क ज्वेलर के यहाँ से खरीदा जा रहा है। अब ये धर्मांतरण करने वाली मानसिकताएं जो हैं, ये लगातार हम हिंदू बहुसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें बेचारी जो धर्मांतरण करके किसी अलग समुदाय में चली जाती हैं, कल को वो पेटियों में सूट केस में पाई जाती हैं। तनिष्क वालों को चाहिए आभूषण तो बेचे ही बेचें, इससे बढ़िया है कि वो एक मजबूत सूट केस भी बेचें और स्पष्ट अपना मत रखें। आपने अतीत में 1995 में एक बॉम्बे फिल्म भी देखी होगी जिसके निर्माता थे मणिरत्नम जी। 1995 उस मूवी में एक मुस्लिम महिला को हिंदू पत्रकार के साथ ब्याह हुआ दिखाया जाता है और उस फिल्म रिलीज़ के बाद तमाम देश में पथराव और बम विस्फोट होते हैं। आम जनमानस को जानना भी चाहिए कि मणिरत्नम जी के आवाज़ पर बम फोड़ने वाली कौन कौन सी मानसिकताओं के लोग थे जिन्होंने उस पिक्चर का भरपूर विरोध किया। हम चाहेंगे धर्मांतरण जैसी घटनाएं, लव जिहाद जैसी घटनाएं इस देश में रुकें और सभी नारियों को ससम्मान जीने का मौका मिले सभी धर्मों में। कौन संगठन से हैं आप? मैं विकास कुमार सनातनी, नगर महामंत्री, हिंदू जागरण मंच।